2018 में मैं आया था तो यूरोपियन पासपोर्ट्स की लाइन दूसरी थी और नॉन यूरोपियन की दूसरी थी, और मुझे उन्होंने कोई आधा पौना एक घंटा फॉर्म फिल करवा के लगाया था वहाँ पे। और अब जब मैं जर्मन पासपोर्ट के साथ आया हूँ इंग्लैंड तो सिर्फ प्रॉबेबली मुझे कोई 3 से 4 मिनट लगे हैं, ऑटोमेटिक स्कैन था, कोई चेक करने भी नहीं खड़ा था। मज़े शेक्सपियर के टाइम पे जैसे थिएटर होता था, जो प्लेज होते थे, वो तो ओरिजिनल थिएटर तो जो है वो जल गया था 1600 में, तो उन्होंने उसको रीनेक्ट करके बनाया हुआ। पर यहाँ पे मैंने प्ले देखा है अभी लाइव, तो बड़ा मज़ा आया है और बड़ा अजीब और यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस रहा है। बिल्डिंग में मैं ठहरा हूँ और इस बिल्डिंग में चूहों ने हमला किया हुआ है। ये देखो हर जगह रैट पॉइजन। इन्होंने कहा और खिड़की का हाल देखो, चूहे बड़े हैं यूके में। ये नेबरहुड है मेरा जहाँ पे मैं ठहरा हूँ, वालू हम जा रहे हैं वालू, और अगर आम अल्फाज में बोलें तो वाटरलू। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके दिमाग घूम गया मेरा, वालू और बेकर स्ट्रीट। ट्यूब ट्यूब इज़ बेसिकली लंदन्स उबान। लेकिन मैं आपको एक और वीडियो में थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस भी दूंगा बर्लिन और लंदन में जो इंग्लिश स्पीकिंग जगह हैं, क्योंकि मैं पहले आपको मेंशन किया कि मैं आया था यहाँ 5 साल पहले, और अब मैं और तरीके से डिफरेंसेस नोट कर रहा हूँ जर्मनी में 10-11 साल रहने के बाद। तो इंटरेस्टिंग जा रहा है ट्रिप अभी तक। What the hell? जो वो बीटल्स की फेमस फ़ोटो है रोड क्रॉस करते हुए, सब वो इनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और चलती ट्रैफिक को रोक के। Crazy man. Okay. Now sister. Crazy, crazy. British Natural History Museum. मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इंपीरियल कॉलेज लंदन का।